Savani and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a best approach to solve puzzles for RRB PO and RRB clerk, IBPS PO, SBI PO and clerk. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, हमारी फर्स्ट पजल है. इन अ रेस्टोरेंट 10 डिशेस वर प्रिपेयर्ड इन एन ऑर्डर. ठीक है, एक रेस्टोरेंट में 10 डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं. 5 डिशेस वर प्रिपेयर्ड बिटवीन पिज्जा एंड सैंडविच, व्हिच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पिज्जा. सीजनर वाज प्रिपेयर्ड बिफोर केक. ओनली 1 डिश वाज प्रिपेयर्ड बिटवीन टाकोस एंड डोसा. द नंबर ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड बिफोर बर्गर इज सेम एज द नंबर ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड आफ्टर नूडल्स. 3 dishes were prepared between noodles and pasta, which was prepared immediately after tacos. Pizza was prepared immediately before momos and immediately after burger. ठीक है, तो कहां से स्टार्ट कर रही हूं पजल? देखो, फर्स्ट लाइन में लिखा है 5 डिशेस प्रिपेयर हो रही है पिज्जा और सैंडविच के बीच में, और सैंडविच जो है आफ्टर पिज्जा प्रिपेयर हो रहा है. तो ठीक है, ऐसे कर दिया पिज्जा 1 2 3 4 5 सैंडविच. एकदम से बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है. पिज्जा 1 2 3 4 5 सैंडविच, ठीक है. लास्ट लाइन में हमारा लिखा है कि पिज्जा वॉज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर मोमोज. बिफोर मोमोज है तो मोमोज हमारा यहाँ आ जाएगा, मोमोज हमारा यहाँ आ गया. एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्गर, बर्गर के इमीडिएटली बाद में है, तो मतलब बर्गर हमारा यहाँ आ जाएगा और बर्गर ये आ गया. अब हम बॉक्सेस गिनते हैं कितने बन गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस बन गए, ठीक है. उसके बाद सिजलर वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर केक. ठीक है, सिजलर जहाँ पे भी है केक के पहले है. ओनली 1 डिश वॉज प्रिपेयर्ड बिटवीन टाकोस एंड डोसा. द नंबर ऑफ डिशेज बिफोर बर्गर. अच्छा, बर्गर के पहले जितने भी हैं नूडल्स के बाद उतनी ही होंगी. ठीक है, बर्गर के पहले जितने भी हैं नूडल्स के बाद उतनी ही होंगी. देखो, 8 बॉक्सेस ऑलरेडी बन चुके हैं. अगर बर्गर एंड में है तो नूडल भी एंड में होगा, ठीक है. और अगर बर्गर के पहले 2 रख दें यहाँ पे बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस यहाँ पे रख दें, तो टोटल 10 बॉक्सेस हो जाएंगे. तो नूडल्स हमें उस हिसाब से यहाँ पे रखना पड़ेगा नूडल्स, ठीक है. अगर 2 बॉक्सेस यहाँ पे बना दिए बर्गर के लिए, डॉट पा रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है. तो जितने बर्गर के बॉक्सेस ऊपर हैं उतने ही नूडल्स के नीचे हैं, ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं कि बर्गर के ऊपर अगर 2 हैं तो नूडल्स यहाँ जाएगा, नूडल्स के नीचे 2 हो जाएंगे. उसके बाद बोल रहे हैं नूडल्स और पास्ता के बीच में 3 का गैप है, 3 डिशेस का. तो क्या पास्ता रख पाएंगे यहाँ? नहीं रख पाएंगे. इसका मतलब बर्गर के ऊपर 2 बॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे. अब कंडीशन एक ये बचती है कि बर्गर के ऊपर अगर 1 बॉक्स है, ठीक है. अब अगर बर्गर के ऊपर 1 बॉक्स है, ये 1 डॉट मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, 1 बॉक्स है, 2 बॉक्सेस की कंडीशन तो हमारी खत्म होगी, वो तो हम रख ही नहीं सकते. 1 है तो नूडल्स के नीचे भी 1 ही होना चाहिए. तो इसका मतलब नूडल्स हमारा यहाँ आ जाएगा, नूडल्स यहाँ आ जाएगा. तो अगर नूडल्स हमारा यहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ, तो टोटल बॉक्स कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बनेंगे, जो कि गलत है. हमारे पास तो 10 बॉक्सेस है ना टोटल. तो अब ऊपर नीचे तो बना नहीं सकते, क्योंकि बर्गर के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं नूडल्स के नीचे भी उतने ही बॉक्स होंगे. तो इसका मतलब है बर्गर के ऊपर 1 भी बॉक्स नहीं है, क्योंकि ना ही 2 बॉक्सेस वाली कंडीशन फिट हो रही है, ना ही 1 बॉक्सेस वाली. तो इसका मतलब बर्गर के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है. हमें 2 बर्गर जो है एकदम एंड में बैठा है, तो इसका मतलब 2 बॉक्सेस यहाँ हम नीचे बना लेंगे और नूडल्स को एकदम लास्ट में कर देंगे. यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, नूडल्स को एकदम लास्ट में कर लिया हमने, ठीक है. आप चाहते हो तो पॉसिबिलिटी बना के देख भी सकते हो, कंडीशन आप देख सकते हो बना के. अब नूडल्स और पास्ता के बीच में 3 बॉक्सेस का गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया हमारा पास्ता. ओ शिट, ठीक है. देखो, हमारी यहाँ तक कंडीशन जो है सॉल्व हो गई थी. यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था कि बर्गर जो है 2 बॉक्सेस ऊपर नहीं रख सकते, ना 1 बॉक्स ऊपर रख सकते, कंडीशन नहीं सेट हो रही थी हमारी, ठीक है. उसके बाद
अब ये टोटल बॉक्स गिनते हैं, हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस हो गए। मतलब इसके ही इन बिटवीन कोई एक बॉक्स आएगा, ठीक है, पर बर्गर और नूडल्स हमारे सेट हो गए। अब देखो इनके बीच तो कोई बॉक्स नहीं आ सकता, पिज्जा और सैंडविच के बीच में, इतना हमें पता है। बर्गर से लेकर पिज्जा सैंडविच के बीच में देखो 5 बॉक्सेस का गैप है, ठीक है, ये तो हमारे हमें कंडीशन सेट दे दी है, मतलब इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो मोमोज है वो ये जो पिज्जा है वो इमिजिएटली बिफोर और इमिजिएटली आफ्टर बर्गर है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं बॉक्स आ सकता। इसका मतलब ये जो दो बॉक्सेस हैं इन्हीं के बीच में कोई बॉक्स आएगा एक, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं रख सकती, क्योंकि पिज्जा सैंडविच के बीच में तो 5 ही का गैप है, तो 6 बॉक्स थोड़ी रख देंगे। इसका मतलब एक बॉक्स हमारा यहाँ पे आएगा, समझे आप कैसे, यहां से लेके यहां तक कोई बॉक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन में दे रखा है पिज्जा और सैंडविच के बीच में 5 बॉक्सेस का गैप है, और ये इमिजिएटली आफ्टर और इमिजिएटली बिफोर है। पिज्जा जो है इमिजिएटली बिफोर मोमोज है, इमिजिएटली आफ्टर बर्गर है, तो इनके बीच में भी कोई नहीं आएगा और हमारे टोटल 9 बॉक्सेस बन रहे हैं। बर्गर हमारा लास्ट में आएगा, नूडल्स हमारा लास्ट में आएगा, ये हमने अभी कंडीशन देख ली थी कि दो दो नहीं आएंगे बॉक्सेस, ना एक आएगा, इसीलिए जो सैंडविच और नूडल्स के बीच में एक बॉक्स हमने बना लिया, एंड में हम बना नहीं सकते। उसके बाद बोला है नूडल्स और पास्ता के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 ये आ गया हमारा पास्ता, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, इसमें नहीं बना रही मैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, ओनली 1 डिश वॉज प्रिपेयर बिटवीन टाकोस एंड डोसा, ठीक है, और क्या बोला है, पास्ता विच वॉज, ये भी बोला है 3 डिशेज वर प्रिपेयर्ड बिटवीन नूडल्स एंड पास्ता विच वॉज प्रिपेयर्ड इमिजिएटली आफ्टर टाकोज। पास्ता जो है इमिजिएटली आफ्टर टाकोज है, तो इसका मतलब टाकोज यहाँ हो गया, और डोसा और टाकोज के बीच में एक का गैप है, तो डोसा हमारा यहाँ हो गया। अब जो है सिजलर जो है केक के पहले है, तो केक यहाँ हो जाएगा हमारा और सिजलर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन हमारी सेट हो गई। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, सिजलर, टाकोस, पास्ता, डोसा, सैंडविच, केक, नूडल्स, ये हमारी पजल सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले देख लेते हैं हम, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। 9 पीपल, लियो, लेवी, लेक्सी, लियाम, लिली, लुका, लुइस, ल्यूक एंड लूना, क्या नाम दे रखे हैं तो इन्होंने। इन 9 फ्लोर बिल्डिंग फ्लोर्स ऑफ विच आर नंबर 1 to 9 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखो ये काफी अजीब अजीब से नाम दे रखे इन्होंने, लेवी, लेक्सी, ये ना जान के कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो इन ऐसे पजल्स को बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है विच आर नंबर 1 to 9, ठीक है, बॉटम में 1 है, टॉप में 9 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, पढ़ते हैं। एवरीवन लिव्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, ठीक है, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे रह रहा है। लेक्सी लिव्स इन समवेयर अबव लूना हु डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, लियाम लिव्स इमीडिएटली अबव लुका, ल्यूक एंड लुइस लिव एडजेसेंट टू ईच अदर, लिली लिव्स ऑन 5th फ्लोर, ठीक है, लिली 5th फ्लोर में है, तो लिली हमने लिख दिया 5th फ्लोर, एंड लिव्स एडजेसेंट टू लियो, एडजेसेंट टू लियो, लियो के एडजेसेंट में है, तो लियो हमारा यहाँ आ गया, लियो हमारा यहाँ आ गया। एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन लेवी एंड लुका, 3 पीपल लुका एंड लियो, लुका और लियो के बीच में 3 है, तो 1 2 3 यानी आ पाएगा 1 2 3, तो यहाँ आ गया हमारा 1 2 3, लुका 1 2 3 1 2 3 ऊपर ही आएगा, तो यहाँ आ गया लुका। 5 पीपल लिव बिटवीन लियाम एंड लुइस, ठीक है, अब लुका वाली इन्फॉर्मेशन देखने की आगे रखी थी। लियाम लिव्स इमिजिएटली अबव लुका, लियाम जो है इमिजिएटली अबव लुका है, तो लियाम यहाँ हो गया हमारा और लियाम यहाँ आ गया। उसके बाद क्या बोल रखा था लास्ट टाइम में, बोला था 5 पीपल बिटवीन लियाम एंड लुइस, 1 2 3 4 5 लुइस, इनकी स्पेलिंग सही से लिखना, 1 2 3 4 5 लुइस, पाँची का थोड़ा है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लेक्सी लिव समवेयर अबव लूना, अच्छा देखते हैं, लूना हु डजंट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, लेक्सी जो है अबव लूना है,
लूना जो कि ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट वन पर्सन लिव बिटवीन लेवी एंड लुका, थ्री पीपल लुका लियो, लुका लियो वाली तो कंडीशन होगी ना हमारी, हाँ ये होगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लियाम लिव्स इमीडिएटली अबव लुका, ल्यूक एंड लुइस, ल्यूक और लुइस जो है एडजेसेंट हैं ईच अदर के, तो ये वाली कंडीशन हम सेट करते हैं, ल्यूक एंड लुइस, तो नाम ही अजीब से, ल्यूक लुइस, ल्यूक और लुइस यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा लुइस तो है, तो ये रही लुइस हमारी और ल्यूक आ गया यहाँ पे, बहुत अजीब से नाम दे रखे हैं, ये आ गया ल्यूक, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे, ये लूना, लूना वाली जो कंडीशन थी वो देखो, लूना और लेक्सी जो है अबव है लूना की, तो लूना यहाँ पे नहीं आएगी ग्राउंड फ्लोर पे, तो लूना हमारी यहाँ आ जाएगी और लेक्सी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे भी लूना यहाँ नहीं आएगी, लूना लेक्सी के लिए यही है जगह, तो लूना यहाँ आ गई, ये लूना है और ये लुका है, ठीक है, और ये एन है और लुका में सी है, ऐसे है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एटलीस्ट वन पर्सन है लेवी और लुका के बीच में, लेवी और लुका के बीच में वन पर्सन है, लेवी यहाँ आ गई और इसमें लुका यहाँ है, लेवी यहाँ आ गई, और एटलीस्ट वन पर्सन है यहाँ पे, तो एडजेसेंट में ही आ गए, इसका मतलब ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया, लियाम लुका लेक्सी लूना लिली लियो लुइस ल्यूक लेवी, ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेट होगी। नेक्स्ट वाली देखते हैं, सिक्स पर्सन्स एल एम एन ओ पी क्यू आर लिविंग इन द सिक्स स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट इज नंबर वन, टॉप मोस्ट इज सिक्स, सिक्स फाइव फोर थ्री टू, they are having different breeds of dogs, bulldog, pointer, samoyeds, sharabi, क्या लिखा है, sharabi, sheltie and poodle, पता नहीं इसकी क्या pronunciation है, जो भी है ये s a r a b i की sharabi जो भी है, ठीक है। N has pointer who lives two floor above the one who has sharabi, the one who has sharabi does not live on an even number floor, ठीक है। Q lives two floor above the one who lives three floor below M. The one who has Sheltie is living two floors below M. L lives adjacent floor of N. Neither M nor Q has Samoyed. The one who has Samoyed is living above the one who has Sharabi but not lives on the topmost floor. P has neither Sheltie nor Samoyed. The number of people who live between O and the one who is Bulldog is the same as L, same as between L and O. अच्छा, the number of people between O and the Bulldog is same as between L and O, है ना, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कैसे करना देखते हैं। N has pointer, N के पास pointer है, who live two floor above the one who has Sharabi, Sharabi बोल देते हैं, the one who has Sharabi does not live on an even number floor, even number पे नहीं है, मतलब यहाँ आ सकता है तो यहाँ हमारा pointer आ जाएगा, यहाँ आ सकता है तो यहाँ हमारा पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है, दो ही कंडीशन बन रही है, ठीक है, सेट करते हैं। शेरबी जो है, शेरबी यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, अब दो फ्लोर अबव है पॉइंटर, तो एन पॉइंटर एक यहाँ आ जाएगा हमारा, और एन पॉइंटर एक यहाँ आ जाएगा, फिफ्थ फ्लोर में शेरबी नहीं आ सकता है क्योंकि एन और पॉइंटर के लिए ऊपर जगह नहीं बचेगी। ओ लिव्स टू फ्लोर, नहीं सॉरी, Q lives two floor above the one who lives three floor below M, ठीक है, below जो M के three floors नीचे है, Q जो है उसी के दो floor ऊपर है, ठीक है, देखते हैं। Q lives two floor above the one who lives three floor below M, अगर M यहाँ है तो वन टू थ्री, N यहाँ, थ्री फोर यहाँ है, Q हमारा यहाँ से टूट रुकता है, M यहाँ है टू थ्री N, देखते हैं दो मिनट। The one who is Sheltie is two floor below M. अच्छा देखो, Sheltie जो है two floor below. The one who Q lives two floor below one who is, देखो, अगर हम M यहाँ रखेंगे तो वो बोल रहा है जिसके भी पास Sheltie है वो two floor below M है, तो Sheltie हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे वो कि L lives adjacent floor of N, Q has Samoyed, Q के पास Samoyed है, देखो
अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं किसे, द वन हु हैज क्यू लिव टू फ्लोर अबव द वन हु हैज थ्री फ्लोर बिलो एम. देखो अगर एम को यहाँ पे सेट किया, ठीक है, थ्री फ्लोर बिलो एम यही होगा, उसके बाद क्यू उसके दो फ्लोर ऊपर है उसके, तो क्यू यहाँ आ जाएगा. क्यू यहाँ पे जब आ जाएगा हमारा, तो ये एक शेल्टी वाली कंडीशन है कि शेल्टी जो है वो टू फ्लोर बिलो एम है, तो शेल्टी यहाँ आ जाएगा, क्यू सेमीओड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, कंडीशन देखते हैं सेट हो रही है कि नहीं. अच्छा, नीदर एम नॉर क्यू है सेमीओड लिखा है ना, पर फिर भी एक बार देखते हैं सेट करके. अगर एम को हमने यहाँ पे रखा तो ये थ्री फ्लोर छोड़ के एन यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और जो भी थ्री फ्लोर छोड़ के हैं उसके दो फ्लोर के ऊपर है क्यू, समझे. जैसे एम जो है उन्होंने बोला है एम के थ्री फ्लोर नीचे जो भी है क्यू उसके दो फ्लोर ऊपर है, तो क्यू हमारा यहाँ सेट हो जाएगा. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. नीदर क्यू और नॉर एम, क्यू और एम के पास सेमीओड नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं. उसके बाद एल लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एन. अच्छा, एल एन के एडजेसेंट फ्लोर में है, एल या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ, एल यहाँ आएगा. ठीक है, द वन हु हैज सेमीओड इज लिविंग अबव द वन हु हैज शेरबी बट नॉट लिव्स ऑन टॉप मोस्ट. अच्छा देखो, अब ये सेमीओड यहाँ तो आएगा नहीं, एम और क्यू के पास सेमीओड नहीं है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है. सॉरी, एम और क्यू के पास भी नहीं है, और किसके पास बोल रहे थे, नीदर, हाँ यही बोला, एम और क्यू के पास नहीं है सेमीओड, तो यहाँ पे नहीं आएगा और टॉप में भी नहीं आएगा. ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ टॉप में भी नहीं आएगा, तो ठीक है, और शेरबी के ऊपर भी है, तो मतलब यही दो कंडीशन है यहाँ पर ही हम रख सकते हैं. ठीक है, इसमें भी, इसमें तो एक ही बची है यहाँ पे सेमीओड की, तो यहाँ पर ही रख देते हैं, सिर्फ शेरबी के ऊपर है, ऊपर है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पर ही आएगा, इसमें यहाँ पर कहीं पे आएगा. ठीक है, और एल भी है अभी एडजेसेंट टू एन, तो वो भी हमें ध्यान रखना है. पी हैज नीदर सेल्टी नॉट सेमीओड, पी के पास शेल्टी और सेमीओड नहीं है. अच्छा ठीक है, क्यू लिव टू फ्लोर द वन हु हैज सेल्टी. अच्छा, शेल्टी वाली अभी एक कंडीशन थी ना, तो शेल्टी हमें यहाँ रख देना चाहिए, क्योंकि शेल्टी टू फ्लोर्स बिलो एम है. ठीक है, शेल्टी यहाँ पे अभी हम देखते हैं, शेल्टी यहाँ पे आ गया, तो सेमीओड के पास हमें सिर्फ यही कंडीशन बची. और पी को क्या बोल रहे हो, पी हैज नीदर शेल्टी नॉर सेमीओड, मतलब पी यहाँ पर नहीं आएगा कहीं पे. ठीक है, पी यहाँ पर कहीं पे नहीं आएगा, तो पी के लिए सिर्फ एक यही जगह बच रही है. ठीक है, ये भी हो गया. द नंबर ऑफ पीपल हु लिव ओ एंड, ठीक है, ओ और बिल्डॉग के बीच में जितने हैं उतने ही एल और ओ के बीच में है. ठीक है, ये सेट करना पड़ेगा. देखो अगर एल को यहाँ पे सेट किया मैंने, सेट कर दिया सॉरी, तो बिल्डॉग जो है यहाँ पर ही कहीं पे आएगा, या तो फिर यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा. अगर यहाँ पे लेते हैं तब भी हम ओ और बिल्डॉग के बीच में नहीं कंडीशन सेट कर पाएंगे, यहाँ पे बिल्डॉग को लेते हैं तब भी ओ और बिल्डॉग के कंडीशन नहीं सेट कर पाएंगे, समझ रहे हो. अगर एल को मैंने यहाँ लिया तो और कोई जगह तो है नहीं मेरे पास बिल्डॉग के लिए, ये या तो फिर ये जगह या तो फिर ये जगह, या यहाँ पे रखा तो भी ओ और बिल्डॉग के बीच में उतने पर्सन नहीं होंगे जितने एल और ओ के बीच में. अगर यहाँ पे बिल्डॉग को रखा तो भी नहीं सेट होगी, इसका मतलब एल हमारा यहीं आएगा और ओ हमारा यहाँ आएगा. अब ओ और बिल्डॉग के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए जितने एल और ओ के बीच में हैं. देखो अच्छा, इसमें ये बोला था ना एल और ओ के बीच में जितने पर्सन है ओ और बिल्डॉग के बीच में उतने ही होने चाहिए. हाँ तो ठीक है, तब भी एल तो यहाँ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि एल और बिल्डॉग, क्योंकि ओ और बिल्डॉग के बीच में तो फिर ज्यादा पर्सन हो गए थे ना, अगर ओ को मैंने नीचे रखा था, तो इसीलिए ओ हमारा यहाँ गया, एल यहाँ गया, एल और ओ के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए, और जितने ओ और बिल्डॉग के बीच में, तो एक है तो यहाँ पे हो गया. ठीक है, और यहाँ पे जो बची है वो आ गया, कौन आ गया, पोडल, क्या नाम है इसका, पोडल. ये हमारी कंडीशन सेट हो गई है यहाँ पे, एम क्यू ओ एन एल पी बिल्डर पैटर पॉडल शेल्टी पॉइंटर सामे और शेरबी. यहाँ पे भी देख सकते थे वैसे हम, देखो एम के थ्री फ्लोर नीचे जो भी है, एम को अगर यहाँ रखते 1 2 3 n, तो क्यों हमारा यहाँ पे सेट ना हो पाता दो फ्लोर ऊपर. एम को यहाँ पे रखते 1 2 3 n, एम को यहाँ पर ही रखना पड़ता हमें अब, क्योंकि एम के नीचे और कोई कंडीशन नहीं थी, एम को यहाँ रखते तो 1 2 3, दो फ्लोर छोड़ के ऊपर क्यू था, क्यू यहाँ पे आ जाता हमारा. ठीक है, क्यू जब यहाँ पे आ जाता तो शेल्टी हमारा यहाँ पे आ जाता, शेल्टी बोला था कि टू फ्लोर नीचे है. उसके बाद क्या कंडीशन थी ये भी देख लेते हैं ना, इसको भी देख लेते हैं,
वैसे ये कंडीशन सेट हो गई, ये मैं बस करके बता रही हूँ क्या है। उसके बाद वन हुआ शर्टी रोबोट एल लिफ्ट एल जो है एडजेसेंट टू एन है, ठीक है एल एडजेसेंट टू एन हो गया। अब देख लो एल ओ और बिल्डॉग वाली कंडीशन हम यहाँ से सेट नहीं कर सकते थे। एल और ओ हमारा यहीं कहीं आएगा, ओ को यहाँ पे रख दूंगी तो एल और ओ के बीच में उतने ही पर्सन है जितने बिल्डॉग के बीच है, तो 1 2 3 ठीक है। फिर भी देख लो अगर बिल्डॉग यहाँ पे आ भी जाता हमारा, क्योंकि ओ को मैं लास्ट में नहीं रख सकती थी क्योंकि 1 2 3 4 1 1 2 3 4 ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी एल और ओ को रुको, और क्या बोला इन्होंने और अच्छे से बताती हूँ क्या है। द वन हू सैमुअल इज लिविंग अबव द वन हू इज शेल्बी, पी हैज नीदर शेल्टी नॉर सैमुअल। अच्छा हाँ, पी के पास ना ही शेल्टी है ना ही सैमुअल है, तो पी हमारा यहीं आ जाता। अब कौन सा बचता, ओ, तो ओ यहाँ पे आ जाता। एल ओ ओ के बीच में उतने ही पर्सन है जितने ओ और बिल्डॉग के बीच में, तो 1 2 3 ठीक है, बिल्डॉग हमारा यहाँ पे आ जाता। अब क्या था, क्या कंडीशन है, क्या बोला था ना, नीदर एम नॉर क्यू है सैम्योर, एम क्यू के पास सैम्योर नहीं है और टॉप पे भी नहीं है। द वन एन एस पॉइंटेड टू लिव्स ऑन सेल्बी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर, क्यू लिव्स टू फ्लोर अबव द वन हू हैज थ्री फ्लोर बिलो एम, 1 2 3 1 2 क्यू उसके ऊपर है। द वन हू हैज शेल्टी लिव टू फ्लोर बिलो एम, एल लिव्स एडजेसेंट टू एन, ठीक है। Neither and now Q has Samuel, the one who has Samuel live but not live on death. Neither Shelty nor Samuel, the member of people between O and the Bulldog is same as between L and O. 1 2 3 L or O, 1 2 3 Bulldog. ये कैसे ठीक हो गया, 2 मिनट देखते हैं। अच्छा हाँ देखो, ये वाली कंडीशन जो है neither M nor Q has Samuel, ये तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, M के पास तो Samuel आ गया ना, तो ये कंडीशन तो गलत होगी हमारी। ये वाली सही होगी, एम बिल्ड अप क्यू पैडल क्यू पॉडल और शेल्टर शेल्टी जो भी एन पॉइंटर एल सैमुअल पी सैल्बी, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं बड़ा से। नेक्स्ट वाली कौन सी, 8 persons एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर वर्किंग इन द डिजाइनिंग कंपनी विद डिफरेंट डेजिग्नेशन, द डेजिग्नेशन ऑफ द पीपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज वाइस प्रेसिडेंट चीफ डिजाइन ऑफिसर ब्रांड डिजाइन मैनेजर डिजाइन डायरेक्टर डिजाइन मैनेजर टीम लीडर लीडर सीनियर डिजाइनर एंड डिजाइनर, वे वाइस प्रेसिडेंट जो है सीनियर मोस्ट है और जो ये हैं डिजाइनर वो लोअर मोस्ट है, ठीक है। तो ठीक है देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यार वीपी लिख रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद चीफ डिजाइन ऑफिसर, चीफ डिजाइन ऑफिसर ब्रांड डिजाइन मैनेजर, ब्रांड डिजाइन मैनेजर डिजाइन डायरेक्टर, डिजाइन डायरेक्टर डिजाइन मैनेजर टीम लीडर सीनियर डिजाइनर और ये है डिजाइनर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन देखते हैं क्या लिखे। क्यू इज जूनियर टू द वन हु वर्क्स एज डिजाइन मैनेजर, डिजाइन मैनेजर के नीचे है क्यू कहीं भी। ओनली 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एल एंड क्यू हु इज नॉट अ डिजाइनर। अच्छा क्यू डिजाइन मैनेजर के नीचे है और क्यू डिजाइनर भी नहीं है, इसका मतलब क्यू के लिए 2 conditions बची, एक ये एक ये। एल और क्यू के बीच में 2 persons है, तो 1 2 L 1 2 L एंड वर्क्स इमीडिएटली जूनियर टू एल, एंड वर्क्स इमीडिएटली जूनियर टू एल, ओके। पी इज 2 persons सीनियर टू एस, पी जो है 2 persons सीनियर टू एस है और एस जो है डिजाइन डायरेक्टर भी नहीं है और डिजाइनर भी नहीं है, डिजाइनर भी नहीं है और डिजाइन डायरेक्टर भी नहीं है, ठीक है। डिजाइन डायरेक्टर में ऑलरेडी आ चुका है और पी जो है 2 persons सीनियर टू एस है, तो यही कंडीशन बच रही है पी और एस के लिए। देख लो ऊपर हम सेट भी नहीं कर पाएंगे, यही 2 conditions बच रही है। एक देखो डिजाइनर नहीं है और डिजाइन डायरेक्टर नहीं है, तो अगर मैं पी को यहाँ रखूंगी एस को यहाँ रखूंगी तभी पी यहाँ आएगा, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये 2 छोड़ के आ जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते। तो ठीक है पी इज 2 persons सीनियर टू एस, तो पी और एस आ गया। यहाँ पे ये डिजाइनर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हम क्योंकि यहाँ पे अगर रख दिया तो यहाँ पे पी रखेंगे, ये 2 का गैप हो जाएगा, इसका मतलब पी और एस के लिए यही जगह बची हमारे पास। उसके बाद आर इज सीनियर टू, नहीं एक कंडीशन रहेगी, एम वर्क्स एज नीदर चीफ डिजाइन ऑफिसर नॉर डिजाइनर, एम जो है वो ना ही चीफ डिजाइन ऑफिसर है ना ही डिजाइनर है, इसका मतलब एम वाइस प्रेसिडेंट है,
यहाँ पे एम या ना ही ये चीफ डिजाइन ऑफिसर है ना ही डिजाइनर है, इसका मतलब एम के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है। आर इज सीनियर टू ओ, आर जो है सीनियर टू ओ है, आर ऐसे हो गया और यहाँ पे आर इज सीनियर टू ओ, आर इज सीनियर टू ओ ऐसे हो गया। बोथ आर एंड एस आर नॉट वर्किंग एडजेसेंट डेजिग्नेशन, आर और एस एडजेसेंट नहीं है और इस कंडीशन में हमारे एडजेसेंट हो गए, इसका मतलब ये गलत होगी और ये हमारी सही होगी। एम आर एल एन पी क्यू एस ओ, ठीक है। नेक्स्ट वाली देख लेते हैं फटाफट से। सेवन पीपल पी क्यू आर एस टी यू एंड वी वर्क इन अ बैंक इन सेवन डिफरेंट डेजिग्नेशन, सीईओ सीएफओ डायरेक्टर एमडी जीएम एएम एंड क्लर्क, ठीक है। क्लर्क सीईओ सीएफओ डायरेक्टर एमडी जीएम एजीएम क्लर्क, ठीक है। सीईओ जो है सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है और क्लर्क जो है लोअर मोस्ट है। ओनली टू पर्सन आर सीनियर टू क्यू, दो पर्सन सिर्फ सीनियर है क्यू से, मतलब क्यू हमारा यहाँ ही होगा, दो पर्सन सीनियर है, ठीक है। देर आर मोर देन टू पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड आर हु इज नॉट क्लर्क, ओके आर जो है वो क्लर्क नहीं है, ठीक है ऐसे देख कर देते हैं, आर क्लर्क नहीं है। उसके बाद ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन क्यू एंड बी, क्यू और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो एक जगह यहाँ पे ले लिया, एक जगह यहाँ पे ले लिया हमने, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, ठीक है। एट लीस्ट थ्री पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड आर, ठीक है। एस इज सीनियर टू आर, एस जो है सीनियर टू आर है, टी इज नीदर जीएम नॉर क्लर्क, यू इज जूनियर टू पी, ओके। देखो देर आर मोर देन टू पर्सन है वी और आर के बीच में, वी और आर के बीच में हमारे पास दो मोर देन टू है, तो इसको रहने दो अभी, दूसरा वाला देखते हैं कंडीशन क्या है। एट लीस्ट थ्री पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड आर, और एस जो है सीनियर टू आर है, एस जो है सीनियर है आर से, और एस और आर के बीच में कम से कम तीन लोगों का गैप है। एस को अगर यहाँ लेती हूँ तो वन टू थ्री, आर हमारे यहीं पे आएगा क्योंकि आर क्लर्क है, तो ठीक है एस को यहाँ पे ले लिया, आर को यहाँ पे ले लिया। एस को यहाँ लेते तो तीन छोड़ के गैप ना होता, इसीलिए एस को मैंने यहाँ पे लिया ही, यहाँ पे हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एस को यहाँ पे लिया वन टू थ्री, आर यहाँ पे आ गया, फोर का गैप क्यों नहीं लिया क्योंकि आर क्लर्क में नहीं बैठ सकता और एस जो है सीनियर टू आर है, ठीक है। एस को यहाँ पे लेते हैं तो वन टू थ्री फोर, आर हमारा यहीं पे आ सकता है। एटलीस्ट थ्री पर्सन मतलब कम से कम थ्री, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं पर तीन से कम नहीं होने चाहिए। तो एस यहाँ पे है तो वन टू थ्री फोर, आर यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो एस यहाँ पे है तो आर यहाँ पे होगा। एक कंडीशन हमारे पास ये भी होती है तो कि एस को अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं वन टू थ्री फोर, ये वेट क्यू को यहाँ, बी को यहाँ, एक जगह एस को यहाँ पे रख सकते हैं वन टू थ्री, आर को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, क्लर्क में नहीं रखना है। उसके बाद बोला है टू पर्सन, मोर देन टू पर्सन है वी एंड आर के बीच में, तो क्या हम वी को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, सॉरी हाँ मोर देन टू पर्सन है वी और आर के बीच में, तो है तो वी यहाँ है वन टू थ्री फोर, मोर देन टू है, ठीक है सेट है। यहाँ पे एडजेसेंट में ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद क्या बोला है, टी इज नीदर जीएम नॉर क्लर्क, टी ना ही जीएम है ना ही क्लर्क है, टी मतलब एमडी है। यू इज जूनियर टू पी, यू जो है जूनियर टू पी है, यू जूनियर टू पी है, ये कंडीशन हमारी सेट होगी, ठीक है। यू जो है जूनियर टू पी है, बी एस क्यू टी पी आर यू। नेक्स्ट वाले देखते हैं कौन से पजल है। एक पर्सन ई एफ जी एच आई जे के एंड एल आर सिटिंग इन अ लीनियर रोम, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में इन्होंने फेस कर रखा है, ठीक है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, के सिट थर्ड फ्रॉम इधर लेफ्ट एंड और राइट एंड, के जो है या तो थर्ड है लेफ्ट एंड में या तो राइट एंड में, तो ठीक है ये पता है ना कि ये लेफ्ट एंड होता है और ये राइट एंड होता है, ठीक है। जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के, जी जो है सेकंड टू लेफ्ट है के के। ओनली टू पर्सन बिटवीन जी एंड एल, दो पर्सन है जी और एल के बीच में, तो वन टू एल यहाँ भी हो सकता है, वन टू एल यहाँ भी हो सकता है। अब इस कंडीशन इंफॉर्मेशन रीड करते हैं पूरी, पहले
The number of persons is left of L is the same as number of persons is right of I. L के left में जितने person हैं, E के right में भी उतने ही person हैं. अगर L के left में दो person हैं suppose, तो E के right में भी दो ही होने चाहिए. L does not sit at any end of the row. The number of persons sit between G and L is same as E and H. ठीक है, G और L के बीच में जितने हैं उतने ही E और H के बीच में हैं. Then H sits right of E. ठीक है, J sits immediate left of I. Okay, देखो इन्होंने बोला सेकेंड लाइन में कि थर्ड लाइन में सॉरी ओनली टू पर्सन बिटवीन जी एंड एल, और एक जगह बोल दिया कि एल किसी भी एंड में नहीं बैठा, तो वन टू एल यहाँ पे नहीं आ सकता. इसका मतलब वन टू एल यहाँ पे ही आएगा. अब जितने भी पर्सन एल के लेफ्ट में है उतने ही ई के राइट में है. तो ये देख लो कि एल के पहले लेफ्ट मत गिनो, राइट में गिन लो. एल के राइट में कितने ए, इसका मतलब ई के लेफ्ट में भी उतने ही होंगे. एल के जिसमें भी ज्यादा आपको पर्सन लगे ना वो मत गिनो. जैसे कि एल के लेफ्ट में, इसमें एल के लेफ्ट में गिन लो वन टू थ्री, तो ई के राइट में भी कितने वन टू थ्री. राइट और लेफ्ट कुछ भी गिन सकते हो, बस ये इजी के लिए बताया मैंने कि एल के राइट में गिन लो उतने ही ई के राइट में कर दो. ऐसे ही अगर एल के राइट में गिन लेते उतने ही ई के राइट में कर देते, पर इसमें एल के लेफ्ट में कम थे तो मैंने लेफ्ट में गिन लिए. लेफ्ट में गिनो राइट में गिनो, पर ई के जितने भी अगर एल के राइट में गिन रहे हो तो उतने ही ई के राइट लेफ्ट में होने चाहिए. अगर एल के लेफ्ट में गिन रहे हो तो ई के राइट में भी उतने होने चाहिए. ठीक है, उसके बाद क्या था, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी और एल, जी और एल के बीच में जितने पर्सन है उतने ही ई और एच के बीच में है, तो वन टू एल ई एच के बीच में भी उतने हैं, तो एक दो एच यहाँ भी आ सकते हैं हमारा. नहीं, पर उन्होंने बोला एच सिट्स टू द राइट ऑफ ई, एच जो है सिट्स टू द राइट ऑफ ई, तो राइट में है तो यहाँ पे आएगा. जी और एल के बीच में कितने हैं दो, तो ई और एच के बीच में दो होने चाहिए, एच यहाँ आ गया. जे सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आई, जो है जे जो है इमीजिएट लेफ्ट ऑफ आई है, यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे ये कंडीशन गलत होगी क्योंकि एडजेसेंट में दो फ्लोर दो जो सीट्स हैं हमें वो एडजेसेंट में चाहिए, यहाँ पे सब अलग अलग हैं. ठीक है, अब कौन बच गया हमारा, ई एफ जी एच आई जी एफ बच गया, वो जी एफ के एल ई जी ई जे आई एच, ये कंडीशन हमारी सेट होगी. ठीक है, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Kindly subscribe my channel Bankers Avenue. Thank you for watching the video.